इस लॉकडाउन के तहत क्या-क्या होगा और क्या-क्या चीजें सस्पेंड होंगी और क्या-क्या चीजें लागू रहेंगी, मैं आपको बता देता हूं। इस लॉकडाउन के तहत कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ नहीं की जाएगी। इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा ये अलाउ नहीं की जाएंगी, ये बंद होंगी। डीटीसी की बसें 25% चलेंगी और वो इसलिए ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा सकें। दिल्ली के सारे शॉप्स, बाजार, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोडाउन, वीकली बाजार ये सब बंद रहेंगे। दिल्ली से सटे हुए सारे स्टेट्स के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं ये बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट जो एसेंशियल आइटम्स आने हैं। मान लीजिए पड़ोसी राज्य से दूध आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, खाने पीने का सामान आ रहा है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं केवल वो अलाउ किए जाएंगे, बाकी बॉर्डर सील कर दिए जा रहे हैं। इंटरस्टेट बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो सर्विसेज ये भी सस्पेंड की जा रही हैं। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली में जो आ रही हैं वो सारी सस्पेंड की जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी दिल्ली के अंदर बंद की जा रही है। जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं किसी भी धर्म के हों वो सारे बंद किए जा रहे हैं। और सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें। पूरी दुनिया से जो हमें सीखने को मिला वो यही कि जितना आप कम से कम बाहर निकलेंगे, जितना आप कम से कम दुनिया के संपर्क में आएंगे, उतना हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप खुद अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। बहुत जरूरी हो बाहर जाना, मान लीजिए दूध लेके आना है, सब्जी लेके आना है, तभी बाहर निकलें, अदरवाइज आप बाहर ना निकलें।